हाय मेंडोसी फैमिली, दिस साइड अविश शर्मा। तो आज का जो टॉपिक है ना, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। आपने कितनी प्रैक्टिस की और कितना आपने प्रॉफिट बनाया मुझे नहीं पता। हाँ, बट मुझे कुछ लोगों का ज़रूर पता है जो मुझे अपना डेली फीडबैक देते हैं, जो चीज़ मैंने उनको सिखाई है, राइट। और आप लोगों को भी वही चीज़ मैंने सिखाई है, वो लोग यूज़ करते हैं और डेली प्रॉफिट भी करते हैं, ठीक है, जिनका मैं फीडबैक ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, ठीक है। तो देखो, मैंने जितनी भी आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, राइट, आपने कितना यूज़ कर रहे हो, आपको कैसे यूज़ भी करनी है, ठीक है ना। एक बोलते हैं एक डाउट क्लास, ठीक है। आप चक्कर क्या है कि आप ना नई नई चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। मेरे पास में बहुत सारे लोगों के मैसेज आना कि सर वीडियोस क्लासेस कब आएगी, सर एक न्यू क्लासेस कब आएगी। मतलब कि आप न्यू न्यू चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन जो आपको मैंने बताया है आप उसका यूज़ तो करना जानते ही नहीं है। अगर आप उसका यूज़ करना जानते तो आप आज प्रॉफिट बनाते। आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको मनी मैनेजमेंट करना नहीं आता है। आपको एक ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, एक ही ट्रेड में फुल अमाउंट लगा दोगे, भगवान तो हो नहीं कि आपने लगाया कॉल डायरेक्शन में तो वो ग्रीन ही बन जाए। हाँ, एक नॉलेज के हिसाब से आप ट्रेड लेंगे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से, तभी आप कंटिन्यू प्रॉफिट बना सकते हैं। मेरी बात ध्यान से समझ लो, मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी चीजें मैंने आप लोगों को सिखाया है अगर आपने उसका भी यूज किया, बहुत सारी चीजें भाई मार्केट में बहुत सारी, मैंने अभी तक आपको लेवल्स नहीं बताए, अभी सिर्फ आपको मैंने ट्रिक बताई है, स्टडीज मैंने बताई है जिनका यूज करके मैं भी प्रॉफिट करता हूँ और एंड आप भी करते हो। लेकिन आप नई नई चीजों के पीछे भाग रहे हो भाई, इतनी सारी चीजें कि कैंडल का मोमेंट लेवल, इतनी सारी मार्केट के अंदर में चीजें बढ़ी हुई हैं, बढ़ी पड़ी हैं, राइट। लेकिन आप एक एक चीज के पीछे भागोगे तो आप कंटिन्यू प्रॉफिट बनाओगे या नहीं बनाओगे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके लिए चाहिए माइंडेट। क्योंकि नॉलेज के बेस पर प्रॉफिट बनाया जाता है, आई नो, लेकिन इस भी स्टार्टिंग में आप लोगों को बहुत सारी चीज सीखने की जरूरत है। अभी आपको प्रॉफिट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट नहीं करेंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी, तो आप आगे तक कंटिन्यू इसमें सीखना, मतलब बाइनरी ट्रेडिंग में आप कंटिन्यू नहीं रह सकते, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा जिससे आप ट्रेडिंग को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मैं पहले ट्रिकों को बता रहा हूँ जिससे आप कंटिन्यू प्रॉफिट बनाओ, राइट। $100 से $500 आप कर पाए, $1,000 आप कर पाए। मैं किस लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप प्रॉफिट में कम से कम आ जाएं, जिससे आपका एक माइंड फ्रेश होता है, क्योंकि पैसा जब जेब में रहता है ना तो माइंड बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है। बात समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। जो चीज़ बताने वाला हूँ ध्यान से समझना, सुनना और स्क्रीन पर ध्यान देना, मेरे माउस के सर्कल पर ध्यान देना, ओके। तो चलते हैं फिर सीधा जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं, समझने वाले समझ चुके होंगे मेरी बातों को, राइट। क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं ट्रेडिंग में, छोटी छोटी चीजों के पीछे अभी भागोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ट्रेडिंग एक दिन का हलवा नहीं है मेरे भाई, समझने की बात समझना कोई कोशिश करो यार। आप लोगों को इतना प्यार से समझाता हूँ तो समझने की कोशिश क्या करो। और ऐसा नहीं है कि आप आज ही मेरे ग्रुप में आए हैं, एक महीने तक ही टिकोगे, अरे यार नहीं, आप मेरे ग्रुप में आ चुके तो लाइफ टाइम तक मेरे ग्रुप के ग्रुप में रहेंगे, बहुत सारी चीज आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी, जिंदगी भर मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको वी पैटर्न बताया, केतन चैनल का यूज करने का तरीका बताया, तो मैं कुछ चीजें लगा रहा हूँ और जिनको मैं यूज करके मैं आप लोगों के लिए सामने लाइव ट्रेड लूंगा। कहाँ कौन सा लेवल आपको देखना होता है, कहाँ क्या चीजें देखनी होती हैं, कब कैसे ट्रेड लेनी है, हम कितना प्रॉफिट कर पाएंगे, कैसे मनी मैनेजमेंट होती है, तो जरा सा फोकस करना स्क्रीन पर और मेरी बातों पर, ठीक है। तो चलते हैं सीधा टॉपिक पर। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मैंने केतना चैनल आप लोगों को बताया, ठीक है, क्या बताया, केतना चैनल। तो हम सीधा केतना चैनल लगाते हैं, उसके बाद में हम इसको यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। और हम लगाते हैं एक और चैनल था हमारा इम्प्लॉप्स, ठीक है, इसका हम पीला कलर कर देते हैं, ठीक है, पीला कलर हो गया, देखो तीनों लाइनों का, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं जिग जैग नहीं लगाता, ठीक है, जिग जैग, चलो जिग जैग भी लगा लेता हूँ, चलो चलो ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखाया है तो, लेकिन आपको कितना यूज करना आता है वो आप जरा देख लेना। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ ट्रेडिंग, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है,
जो चीज मैंने आप लोगों को सिखाई है ना, उसमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, जो भी पैटर्न्स मैंने आपको समझा रखा है ना, तो उसमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है? एक सेकेंड, ठीक है? ओके ओके, मेरी वीडियो चल रही है। अब देखो, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को लगा रखी हैं, ठीक है? कि इतना चैनल लगा रखा है, इम्प्लॉप्स लगा रखा है, जिग जैग लगा रखा है, ठीक है? ये तो आप लोगों को पता ही है, इतना तो मैंने आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसी के अंदर, देख लेना आप, ठीक है? अब मैं इनको थोड़ा हाइड कर देता हूँ ऊपर से, ठीक है? ये देखो, अब ये तीनों गायब हो गए, ठीक है? अब ठीक है, मैं आपको आराम से स्क्रीन भी समझ में आएगी। अब जरा देखो कि मार्केट कर क्या रही है, क्या बना रही है, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर में। देखो, ये चल रहा है ना एनजेडी सीएडी। तुम ये सुन, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि बीच वाली लाइन को और तीनों पीली वाली लाइन को कोई भी कैंडल ब्रेक करता है तो सेम डायरेक्शन में जाना है, ये बताया था? बिल्कुल बताया था, ठीक है? चलो, तो जरा मेरी बात ध्यान से समझना और ध्यान से इंप्लीमेंट करना, ठीक है? अब ये कैंडल मार्केट चल रही है, ठीक है? अब मार्केट यहां पर चल रही है, तो देखो यहां से मार्केट जब नीचे गई, उसके बाद में ऊपर आई, ठीक है? तो इस कैंडल ने पूरा ब्रेक नहीं कर पाई है, ठीक है? पूरा ब्रेक नहीं कर पाई, तो उसके बाद में एक ग्रीन डोजी कैंडल आया, उसने ब्रेक करा, उसके बाद में रेड कैंडल आएगा, चलो लॉस हो गया, और फिर एमटीज आया। देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना मेरी बात, जितना कम अमाउंट यूज कर ट्रेड करोगे, वहीं पर आप कंटिन्यू प्रॉफिट करोगे। अगर आपके पास में $100 का कैपिटल है ना, तो मेरे भाई सिर्फ $2, $1-2 से बड़ी रिस्क मत लो, क्योंकि $100 हैं, अगर आपका $10 डेली का बन रहा है ना मेरे भाई, बहुत अच्छा है। ज्यादा के पीछे मत भागो, क्योंकि ये ट्रेडिंग है। तुम ये सोचो कि 100 से तुम 500 बना दोगे, तो ऐसा नहीं है भाई, एक्सपर्ट ट्रेडर ही बना सकता है। तो $100 है, $10-10 डेली निकाल के लेके आओगे तो $300 होता है। जब आपके पास में $300 होगा, तो महीने की इनकम कितनी हुई? 27,000 रुपये, 25,000 रुपये लगा लो, 25,000 रुपये हो गए, ठीक है ना? एक प्राइवेट जॉब करने से काफी अच्छा है। और हर दिन ट्रेडिंग नहीं होती है, जब मार्केट आपको लगे कि हाँ भाई खराब है, उस दिन ट्रेडिंग मत करो, ठीक है? चलो, अब फोकस करते हैं यहां पर। अब मार्केट क्या बना रही है, क्या बनाने की कोशिश कर रही है, मैंने आपको क्या क्या पैटर्न्स बताए हैं, उन बातों का जरा सा हम ध्यान लगा लेते हैं, ठीक है? और एक और चीज, बड़े बड़े जब कैंडल बने मार्केट के अंदर में, बड़े बड़े कैंडल बने, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि बड़े बड़े कैंडलों में मार्केट ब्रोकर बैठा होता है, जहां पर लॉसेस जानबूझ के होता है, जहां पर अगर कोई कोई व्यक्ति ट्रेड नहीं ले रहा, अगर आपने वहां पर $2 $5 की भी ट्रेड ले ली ना, तब भी लॉस हो जाएगी आपकी, ठीक है? ये ब्रोकर की चालें होती है, ठीक है? तो यहां पर लाइव ट्रेडमेंट लाइव ट्रेड करो, लाइव बहुत सारी करेंसियां हैं, उसमें ट्रेड आप कर सकते हैं। लेकिन आप ओटीसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आराम से रिलैक्स होकर ट्रेडिंग करी जाती है, ओके? किन किन बातों का ध्यान रखना है, जरा सा हम यहां पर चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि मार्केट के अंदर में क्या चीजें और क्या नहीं है। अब देखो, ये वाला है, ठीक है ना? ये है एक, यहाँ पर रेड कैंडल आया, उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग इसको एमटीजी विन कराया, ठीक है? उसके बाद में मार्केट अगर इसको फॉलो करना है, अगर मार्केट एक बार ऐसे जा ऊपर से आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, वहां पर आपको इसको यूज कर ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं है कि यूं नाच रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, जैसे ये चल रहा है यो यो करके, इस तरीके से, इस तरीके से ट्रेडिंग मत करना, ठीक है? इस तरीके से किसी भी कैंडल पर ट्रेड प्लेस मत करना। ट्रेड प्लेस कहां करनी है कि मार्केट एक अच्छा सा मूवमेंट हो, मतलब नीचे से यूं जा रहा हो, फिर इधर आ रहा, नीचे आ रहा हो, फिर ऊपर जा रहा हो, फिर नीचे आ रहा, मतलब वी पैटर्न पर ज्यादा वर्क कर रहा हो ना वहां पर मार्केट, वहां पर आपको ट्रेड प्लेस करनी है। चाहे आपको 1 घंटे में 10 ट्रेड क्यों ना मिले, चाहे आपको 1 घंटे में 10 ट्रेड क्यों ना मिले मेरे भाई, $2 के भी ट्रेड लोगे तब भी $20 हो जाता है शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक है ना? रिलैक्स ओके ट्रेडिंग करोगे तब। तो मैं ना पहले तो लोगों चार्ट ओपन करता हूँ, कौन सा था, सीएडी। चलो, देखो अब है कि आप देखो मार्केट बना क्या रही है, मैं पहले तो लाइव ट्रेड भी लूंगा। अब देखो जिग जैग क्या बोल रहा है, यहां से इसने जिग जैग ने लिया पुट का ऑप्शन,
जिगजैग मतलब एक रेड कैंडल पर क्लोज हुआ जिगजैग, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा एक यहाँ पर पैटर्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक वी पैटर्न हमारा बोल रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कैंडल हैं, ट्रेड नहीं करनी चाहिए। आपको बोलूंगा इतने तो कितने बड़े बड़े कैंडल हैं, ठीक है, ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर भी अब मार्केट बोल रहा है कि ये कैंडल तो जाएगा रेड, लेकिन एंट्री हमारी निकल चुकी है, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए तब मैं ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। चलो बहुत नीचे लग चुके, क्योंकि कैंडल यहाँ पे था तब मैं ट्रेड प्लेस कर रहा था, लेकिन तभी कैंडल नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पर ट्रेड मुझे प्लेस करनी चाहिए थी, यहाँ पर आराम से ट्रेड मिल, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी एक अपने अकॉर्डिंग ये रेड कैंडल ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वी पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर वी पैटर्न मार्केट बोल रहा है कि एक रेड कैंडल बनने का, ठीक है। और कभी भी बड़े बड़े कैंडलों में कभी भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना जरूर, ठीक है। अब देखो मैं लाइव चल रहा हूँ आप लोगों के सामने, लाइव ट्रेड लेनी क्या है और कैसे आपको क्या क्या करना है, ठीक है। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझ लेना। चलो ये भी ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, ओके, ये हमको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। $10 की ट्रेड ट्रेड मैंने प्लेस की। अब देखो ये रेड कैंडल आया क्यों, देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पर देना मेरे माउस के सिर पर ध्यान देना, इधर देखो वी पैटर्न इस ग्रीन ने कंप्लीट किया, वी पैटर्न कंप्लीट करने के बाद में उसके बाद में एक रेड कैंडल आया, यस, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल आया। जब ग्रीन कैंडल आया तभी मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर मार्केट वी पैटर्न फॉलो करेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रेड ले लिया, और ये जो प्रेजेंट कैंडल बनेगा इसको मार्केट बनाएगी ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल बनेगा क्यों, इसके अकॉर्डिंग जिगजैग यहाँ पर क्लोज हुआ, जिगजैग यहाँ पर क्लोज, रेड कैंडल पर क्लोज होने के बाद में उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल आया, यस आया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसको रेड कैंडल आना था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जब मार्केट ने इसको एक रेड कैंडल बनाया तो इस कैंडल को क्या आना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए, एक ग्रीन। अगर ये रेड बनेगा तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आएगा, अगर ये रेड बनेगा तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आएगा, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूंगा $10 की, ठीक है। यहाँ पर मैंने $10 की प्लेस कर दिया ट्रेड, ठीक है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना कि जब भी मार्केट जिगजैग कहीं भी हो, जिगजैग कहीं भी हो, लेकिन मार्केट में देख लेना कि वी पैटर्न तो नहीं बन रहा, कोई और पैटर्न तो नहीं बना, लेकिन जब मार्केट यहाँ पर वी पैटर्न बना रही थी, वी पैटर्न जब मार्केट ने बना लिया तो जिगजैग यहाँ पे क्लोज हो गया, और जब यहाँ पे क्लोज हो गया तो एक ग्रीन कैंडल हमको देखने को मिला, जब मार्केट ने ग्रीन कैंडल हमको देखने को मिला उसके बाद में आपको खुद समझना चाहिए यार ये एक रेड कैंडल बना था, और यहाँ पर मार्केट ने वी पैटर्न पर आप ट्रेड लेंगे तो रेड कैंडल पर लॉस हो जाती, तो जब आप यहाँ पर वी पैटर्न पर ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर विन हो रही है, तो तब आप इसके अकॉर्डिंग जिग जैग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लेते कॉल डायरेक्शन में ट्रेड, तब आपकी लॉस होती, लेकिन आपको यहाँ भी MTC विन आपकी हो रही है। जल्दबाजी में ट्रेड नहीं होती है कि भाई बस जिग जैग बोल गया, भाई जिग जैग हो गया काम, मतलब जिग जैग यहाँ पर क्लोज हो गया तो इसके अकॉर्डिंग ये जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये है, भाई ऐसा नहीं होता, हर बार में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मनी मैनेजमेंट जितनी अच्छी करोगे ना उतना अच्छा कैपिटल बचाओगे और उतना ही अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करोगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके अकॉर्डिंग यहां पर तो गया था ये, ठीक है। अब देखो एक ये कौन सा कैंडल है, रेड कैंडल है। अब जब रेड कैंडल बीच वाली केतन चैन के लाइन को नीचे ब्रेक कर रहा है और तीन कैंडलों पीली लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, जब इसने ब्रेक करा तो उसके बाद में एक रेड कैंडल देखने को मिला, यस या नो, बिल्कुल मिला है, ओके। अब देखो ठीक है ये मिला, और उसके बाद में मार्केट ऐसे गया और ऐसे आया, तो यहाँ देखो इसने वी पैटर्न बनाया, यहाँ देखो इसने वी पैटर्न बनाया, रेड कैंडल ने यहाँ पर वी पैटर्न बनाया, उसके बाद में ग्रीन आया, उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल आ रहा है, तो यहाँ पर वी पैटर्न बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है, बेशक बड़े बड़े कैंडल लेकिन वी पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। यहाँ भी वी पैटर्न ने MTG दी है, लेकिन यहाँ पर MTG वो MTG नहीं, यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड दी है। चलो ठीक है, मैं कुछ चीज आपको बताऊंगा न्यू, ठीक है, बताऊंगा, वेट कर लो आराम से। तो मिस्टर अब देखो आप, तुम सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहाँ होंगे यार, ये देखो एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल ने इस बीच की लाइन को ब्रेक करा तो नीचे जाना चाहिए मार्केट को। अरे भाई नीचे जाएगा क्यों, नीचे जाएगा क्यों, आप ना बहुत छोटी छोटी चीजों को नहीं देख पाते हैं, जो चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब ये रेड कैंडल बना तो यहां पे देखो मैंने क्या बोला है कि मार्केट में वी पैटर्न बहुत सारे बनते हैं एक ही ट्रेड में, ठीक है। अब यहाँ देखो एक रेड कैंडल था, रेड ग्रीन रेड रेड, उसके बाद ऊपर, तो यहाँ पर एक वी पैटर्न बनने वाला है इस
ठीक है, इस वी पैटर्न का ध्यान रखना है, या तो ट्रेड लो मत, अगर आपको वी पैटर्न इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रेड मत लो, बेकार में लॉस मत करो विदाउट नॉलेज के, ठीक है। तो यहां पर हुआ, उसके बाद में इस रेड कैंडल ने वी पैटर्न कंप्लीट किया, उसके बाद में ग्रीन, उसके बाद भी ग्रीन, आप लॉस कहां करते हो, बस देख लिया, अरे भाई ऐसे, अच्छा ये ब्रेक करेगा तो यही ट्रेड लेंगे, ये ब्रेक करेगा तो यही ट्रेड लेंगे, अरे भाई हर बार ऐसा ही हो तो तुम करोड़पति नहीं बन जाओ एक दिन के अंदर में, या मैं करोड़पति नहीं बन जाऊं एक एक दिन के अंदर, मैं करोड़ों का प्रॉफिट ले लूंगा। मार्केट के अंदर में कब क्या होने वाला है, कब कौन सी चीज मार्केट को रोक ले आपको खुद पता नहीं चलेगा, लेकिन आंखों को खोल कर ट्रेडिंग करोगे ना और दिमाग लगा के ट्रेडिंग करेंगे, जल्दबाजी में कुछ नहीं रखा है, मैं फिर बोल रहा हूं, 1 घंटे में 10 शॉर्ट्स और ट्रेड ले रहे हो, 10 ट्रेड अपनी विन कर रहे हो ना भाई, आपसे अच्छा कोई भी नहीं है। 5% भी कैपिटल का ग्रो कर रहे हो ना, आपसे अच्छा कोई नहीं है। 25-30 हजार प्रॉफिट बना रहे हो ना मंथली का, आपसे अच्छा अभी कोई नहीं है, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपके लिए अमाउंट ठीक है भाई, करोड़ों का आपने सपना देख रखा है, लाखों का आपने सपना देख रखा है, तो वो पूरा होगा, एक साथ पूरा नहीं होगा। फिर कहां क्या चीज फॉलो नहीं हो रही मुझे बताओ तो सही, इसने ब्रेक करा पुट आ गया, इसने ब्रेक करा कॉल आ गया, मुझे बताओ तो सही कहां फॉलो नहीं हो रहा, क्यों तुम प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो। ये लो ये लो, मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ, गया ऊपर, फिर नीचे आया, उसके बाद में मार्केट ने इस वाले ये रेड कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक करा है, बिल्कुल क्या है, ऊपर वाली लाइन को टच किया है कितने चैनल की, और नीचे की तरफ ब्रेक करा है। जब ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने क्या करा है, उसके बाद में पुट डायरेक्शन नहीं ले गया, कॉल डायरेक्शन ले गया है। अब जब मार्केट कॉल डायरेक्शन ले गया तो देखो क्यों ले गया, क्या रीजन है देख लेते हैं। रेड कैंडल है, उसके बाद में बैक टू बैक कौन सी कैंडल है, दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे, बीच में लगाओगे यस या नो, बीच में लगाया, लगाने के बाद में ये देख लो, इस रेड कैंडल ने, देखो इस रेड कैंडल ने हल्का सा टच किया है, जब मार्केट ने टच किया तो उसके बाद में पुट डायरेक्शन ये इसी पर ट्रेड लेनी है आपको, जब आपने इसी पर ट्रेड ली हो गई प्रॉफिट, उसके बाद में आपको इस केतना चैनल इसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लेनी है, क्यों, क्योंकि मार्केट में अगर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसी पर ट्रेड लेकर रुक जाओ, क्योंकि मार्केट नेक्स्ट पैटर्न फॉलो करेगी या नहीं करेगी इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अरे यार इसने यूं ब्रेक कर दिया नीचे तो मुझे तो पुट डायरेक्शन ट्रेड लेनी है, भाई पैटर्न वहां पर ऑलरेडी फॉलो हुआ है, रेड के बाद में तो बैक टू बैक ग्रीन, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन, इसने ब्रेक करा उसके बाद में पुट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, कब से बोल रहा हूं। हाँ उसके बाद यहां ट्रेड लेते कि ग्रीन कैंडल ने ब्रेक करा उसके बाद में आप कॉल डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते, लॉस क्यों कर रहे हो भाई, गलती मेरी नहीं है, मुझे ब्लेम मत क्या करो आप लोग कभी भी, गलती मेरी नहीं है, गलती आप लोगों को मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूं तब भी आपके माइंड में नहीं जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं है भाई कि मैं एक एक व्यक्ति को पर्सनली बता दूंगा तो आपको पता है टाइम भी ज्यादा खर्च होता है, लेकिन जितना मैं अच्छे से समझा रहा हूं भाई कोई नहीं समझाने वाला। कैंडलों को देख देख के ट्रेड लोगे ना आगे की, आगे है भाई वो आगे, 2-3 महीने के बाद सीखो, पहले बेसिक चीजें ट्रिक चीजें सीखो, स्टडी मार्केट के पैटर्न्स के बारे में सीखो, जो पैटर्न मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ या हाई लेवल के पैटर्न बता रहा हूँ मैं, हाई लेवल की चीजें यूज करके मैं आपको प्रॉफिट बता रहा हूँ, लेकिन नहीं ऐसा तो नहीं होगा। चार्ट ओपन करता हूँ कोई और, ठीक है, लो लाइव मार्केट का चार्ट ओपन करता हूँ, जीबीपी जेपीवाई, ये तो चलो ठीक है ओके। अब जिगजैग पर ट्रेड कैसे लेते हैं, जिगजैग तो यहां भी रुका होगा, जिगजैग यहां भी रुका होगा, जिगजैग तो यहां भी रुका होगा, जिगजैग यहां भी रुका है, तो ये नहीं है कि जिगजैग जिस पर रुक जाए उसके बाद में पुट डायरेक्शन में ट्रेड ले लो आप, जिग जैग पर जहां भी ग्रीन कैंडल पर ट्रेड
ग्रीन कैंडल पर जिग जैग जहां भी रुकता है, उसके बाद में पोर्ट डायरेक्शन पर ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी है वो तरीका सीखो। देखते हैं कैंडल कहाँ की क्लोजिंग होती है। मार्केट ने पैटर्न बनाया इधर वी, उसके बाद में कॉल डायरेक्शन बना रहा मार्केट, लेकिन इसको भी ब्रेकआउट कर चुका है मार्केट। यहाँ से आप लगाएंगे बॉक्स को, बॉक्स जाएगा नीचे और इस बॉक्स ने इसको ब्रेक कराया, तो ये जो प्रेजेंट में कैंडल है जैसे एक रेड कैंडल आएगा। कितना डॉलर है? 10, 20, 30, 40, 50 डॉलर की ट्रेड लगाई है मैंने यहाँ पर, ठीक है। 50 है या 60 डॉलर है आई थिंक, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। 60 डॉलर आई थिंक, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 डॉलर है भाई, 70 डॉलर, ठीक है। 70 डॉलर मैंने पोर्ट डायरेक्शन में लगा लिया, ठीक है। लॉस हो प्रॉफिट हो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे MTG लेनी पड़ेगी 200 डॉलर की। मार्केट में एरल, क्योंकि मार्केट के अंदर में एरल का बहुत ज्यादा खेल है, ठीक है। मैं लॉस प्रॉफिट शब्द कहता हूँ भाई, लॉस होता है, ऐसा नहीं है मैं भगवान नहीं हूं कि हर ट्रेड एकदम विन होगी। भाई हम अपने दिमाग यूज करते हैं, हम सिर्फ अपना दिमाग यूज कर सकते हैं, ये है मार्केट। एरल मिलते हैं तो आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट इतनी अच्छी करो, उसके बाद में MTG प्रॉपर तरीके से लो, मार्केट को देख कर लो कि MTG आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। मेरा 70 डॉलर लॉस हुआ था, राइट। 70 डॉलर, 100 तो 100, 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 100
40 की जगह मैंने लगाया $200, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इतना विश्वास था कि ये रेड कैंडल ही आएगा, आना तो चाहिए सीओ कैंडल को, ठीक है, आना चाहिए था इसी कैंडल को, ये नहीं आया, लेकिन हमने ठोक दिया एमडी से $200 की। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको लोगों को बताऊं, तो देखो ये रेड कैंडल आना क्यों चाहिए था, देखो सबसे पहले तो यहां देखो हाई लेवल क्या है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, ऊपर का क्या लेवल होता है, एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, ऊपर का एक लेवल होता है रेजिस्टेंस लेवल, नीचे की होती है एक सपोर्ट लेवल, ठीक है, तो एक ये रेजिस्टेंस लेवल था, तो ये मार्केट ने कितने रेजिस्टेंस लेवल के बाद में मार्केट ने तीन कैंडल बैक टू बैक बनाया, तीन कैंडल जब बैक टू बैक बना रही है मार्केट, बनाने के बाद में जब जिगजैग भी रुका तो एक मोमेंट मुझे लगा, यहाँ देखो ये देखो ये एक ब्रेक दो तीन, तीन कैंडल बैक टू बैक बनाया, उसके बाद में जिगजैग यहाँ पर रुका, तो एक पुट डायरेक्शन का मोमेंट बनाया मार्केट ने, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड पुट डायरेक्शन में ली, ये मेरी नॉलेज है, ठीक है, ये मैंने नॉलेज के अकॉर्डिंग लिया, ये एक एडवांस नॉलेज में आ जाता है भाई, ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो आप लोग सीख लो कि आप कंटिन्यू प्रॉफिट कर पाए। देखो जिगजैग यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पर रेड लिया, लेकिन उसके बाद में एक रेड आया, एक छोटा सा डोजी आया, ठीक है ना, इसको एक रेड कैंडल बनना था, यहाँ तक एक रेड बॉडी आनी चाहिए थी, लेकिन एक छोटा सा एक डोजी कैंडल बन गया, ठीक है, लाइव मार्केट हो या ओटीसी मार्केट हो, ठीक है ना, एरर देखो मिल जाते हैं सभी में, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि लाइव मार्केट में एरर नहीं मिलते भाई, मिलते हैं सभी चीज़ों में एरर मिलते हैं, कोई भी अपनी जेब से पैसा नहीं देता है, ठीक है ना, इस तरीके से बस एरर नहीं मिलेंगे राइट, तो ट्रेडिंग किस बात की होगी, वरना तो सभी लोग यहाँ पर करोड़पति बन जाएंगे दो दो मिनट में, लेकिन प्रॉपर तरीके से करोगे तो एरर को भी आप झेल लोगे, लॉस को भी आप झेल लोगे और प्रॉफिट में एंड कर जाओगे, ठीक है। अब देखो मार्केट का क्या मूवमेंट है, इसने इस लाइन को ब्रेक करा, इसके बाद में ये ग्रीन कैंडल आना चाहिए था, लेकिन देखो एक यहाँ पर लाइन देखेंगे और यहाँ देखो एक रेड के बाद ये इसको इसने भी ब्रेक किया, मार्केट क्या बोल रही है, चलो पहले तो मैं डॉलर सेट करता हूँ $10 ही। अब ये प्रेजेंट कैंडल तो मेरे अकॉर्डिंग भाई रेड कैंडल आएगा, इस कैंडल ने, अब देखो मेरी बात ध्यान से समझो, यहाँ पे हुआ क्या ध्यान दो, यहाँ पर स्टार्ट होगा, यहाँ पर स्टार्ट होने के बाद में इस कैंडल ने वी पैटर्न बनाया, ये जो एक ग्रीन कैंडल बनाया ना, तो इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर ऊपर से वी पैटर्न बनाया, ठीक है, वी पैटर्न बनाने के बाद में मार्केट ने करा क्या, उसके बाद में एक ग्रीन दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला कैंडल तो एक ग्रीन कैंडल जाना चाहिए, ठीक है, वी पैटर्न क्या बोल रहा है,
ग्रीन कैंडल जाना चाहिए। वी पैटर्न बोल रहा है कि ग्रीन कैंडल जाना चाहिए, लेकिन जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन के बाद में तो बैक टू बैक रेड है, तो बीच में चलो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे तो इसने ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद में आप यहाँ पर कॉल डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वी पैटर्न बोल रहा है कॉल डायरेक्शन, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल जाएगा ना, ये जाएगा एक ग्रीन कैंडल। एंट्री ऊपर लग चुकी है, ठीक है, एंट्री हमारी ऊपर है, ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड कौन सी ली थी, पुट डायरेक्शन, वो इसलिए ली थी क्योंकि देखो जिगजैग का मूवमेंट मुझे मिला कि पहले तो पुट जाएगा और एक ऊपर हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, तो जब रेजिस्टेंस लेवल मिला तो रेजिस्टेंस लेवल को ये जो ग्रीन कैंडल है ना ऊपर देखो टच करके ही एक सीधा इसने रिजेक्शन लिया है, थोड़ा नीचे क्लोज हुआ एक्सा, ठीक है। तो यहाँ पर रेड कैंडल मुझे देखने को मिलना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड कैंडल के ट्रेड प्लेस की थी, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने $10 इन्वेस्ट किया कॉल डायरेक्शन। अब देखो मार्केट ने इस वाले कैंडल को गैप को फिल करने के लिए ये ग्रीन कैंडल जाना चाहिए, ये वाला ग्रीन कैंडल है ना वी पैटर्न के अकॉर्डिंग ग्रीन कैंडल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वी पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है ना ऊपर एक लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, तो उसको भी फील करना चाहिए। तो लेवल को भी आप नहीं जानते हैं, तो लेवल अभी मैं एडवांस नॉलेज में ले आऊंगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर वी पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड है, $100 है, एक एक दो दो डॉलर इस तरीके से प्यारी प्यारी ट्रेड लोगे तो भाई आराम से प्रॉफिट करते जाओगे, दो दो तीन तीन डॉलर प्रॉफिट कंटिन्यू करोगे आप, ठीक है। लेकिन रिलैक्स होकर ट्रेडिंग करोगे, हर चीज़ को देखकर ट्रेडिंग करोगे। अब बताओ क्या दिमाग लगाया मैंने यहाँ पर, जो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उन्हीं चीज़ों को तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा आपको यूज कुछ भी नहीं करना है, जो चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ उन्हीं सब चीजों को आपको यूज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। प्रॉफिट बनाना बहुत इजी है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डीपली आपको नॉलेज चाहिए तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, बस उसी चीज़ की आपको नॉलेज चाहिए और वो मैं आपको नॉलेज ऑलरेडी देख चुका हूँ, ठीक है। तो पहले तो जो चीज़ बता रहा हूँ इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों को यूज़ करके बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं यूज़ करना क्यों नहीं आ रहा है। अब इस वीडियो को ध्यान से, इस क्लास को ध्यान से देखो, ठीक है ना, समझो। नेक्स्ट क्लास लेके आ रहा हूँ कुछ और चीज़ों पर, ठीक है। मुझे ये बताना जरूरी था क्योंकि तुम्हारे माइंड में ये चीज़ है, क्योंकि तुम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, चक्कर तो ये है प्रॉफिट कहाँ से बनाओ, ठीक है। चलो मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू।